तो कैसे हो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। तो आज फिर से दोस्तों, कल के वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी सारा सपोर्ट किया, काफ़ी सारा प्यार दिया और काफ़ी सारों ने मैसेज किया था कि हम देखना चाहते हैं कि एक ही मोटर पर दो चक्की किस तरह चलती है। तो आज मैं दोस्तों वही वीडियो लेके आपके लिए आया हूँ, ताकि दोस्तों अगर आपकी छोटी जगह है और दो चक्की और दो मोटर, उसमें समय इस तरह की नहीं है, जगह नहीं बच रही है, तो ये वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए खास बनाया है। आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा दोस्तों कि आप एक ही मोटर पर दो चक्की किस तरह चला सकते हो, वो भी आसानी से, वो भी सही तरह से, माल स्पीड से निकलता भी है दोस्तों, वो भी मैंने देखा, ये भी चेक किया मैंने। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने दोस्तों चेक की, जिस तरह के दो चक्की में किस तरह की स्पीड माल की निकलती है, तो स्पीड भी चेक की, तो स्पीड भी दोस्तों बराबर थी, जिस तरह मैं एक ही मोटर पर चलाता उस तरह की स्पीड थी। और क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया थी। तो आज मैं दोस्तों फिर से मेरा दोस्त के वहाँ, जो आरिफ भाई करके गुजरात फ्लोर मिल, वहाँ पर आया हूँ। ये दोनों चीज़ें आपको मैं दोस्तों यहीं पे बताने वाला था, और मकाई का वीडियो तो जो कि मैंने कल ही आपको कल या परसों बता दिया, पर जो मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको एक ही मोटर पर दो चक्की किस तरह चलती है वो भी बताने वाला था, तो वो भी आज दोस्तों आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। और दोस्तों सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, किस तरह चलती है, किस तरह की मोटर है, कितने एचपी की मोटर है और कितने इंच की चक्की, दो चक्की है वो कितने इंच की है, और किस तरह की क्वालिटी है वो भी बताऊंगा, और किस तरह की स्पीड है वो भी बताऊंगा। तो दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या हकीकत है दोस्तों। चलो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हो, ये आरिफ भाई ने सेटिंग किया हुआ है एक मोटर ऊपर, एक ही मोटर ऊपर दो चक्की, वो भी 18 इंच की दोस्तों, ये भी 18 इंच की चक्की है और ये भी 18 इंच की चक्की है, और दोनों चक्की दोस्तों जो मैं चला रहा हूँ सेंट्रल राजकोट की, आरिफ भाई मैं सेंट्रल नहीं चला, हाँ दोनों चक्की सेंट्रल राजकोट की दोनों चक्की चल रही है। और अभी अब दोस्तों हम आपको बताऊंगा इसकी माल की स्पीड, दोस्तों माल की स्पीड भी आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं दोस्तों, परफेक्ट है। जिस तरह की मैं माल की स्पीड मेरे चक्की में जाती है उसी तरह की स्पीड है, बराबर है। और दूसरी चक्की में भी आपको बताता हूँ किस तरह की माल की स्पीड है दोस्तों। तो इसमें भी आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें भी आरिफ भाई ने जो सेटिंग किया है, तो माल की स्पीड भी इसमें भी सही है। अभी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा माल की क्वालिटी, कि माल की क्वालिटी किस तरह की है। और माल की क्वालिटी से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं एम्पियर मीटर कि कितने एम्पियर ऊपर चल रही है, कितने दबाव ऊपर चल रही है, कितने दबाव ऊपर चल रही है वो भी देख लीजिए दोस्तों। ये दोनों चक्की का मिलाकर है, एक चक्की का नहीं है दोस्तों, दोनों चक्की का दबाव मिलाकर है 18 एम्पियर, 18 एम्पियर ऊपर अभी दबाव में चल रही है दोस्तों। तो समझ लो कि 9 एम्पियर, तो 9 एम्पियर ऊपर ये इस साइड की चक्की चल रही है और 9 एम्पियर ऊपर उस साइड की चक्की चल रही है, दोनों के 18 एम्पियर ऊपर, 18 के दबाव ऊपर आटा चक्की चल रही है। तो दोस्तों आरिफ भाई ने इस तरह का सेटिंग किया है कि एक चक्की में दो बेल्ट रखे हैं और एक चक्की में एक बेल्ट रखा है। तो दोस्तों अगर आप दोनों चक्की में दो दो बेल्ट रखना चाहे तो भी रख सकते हैं, और एक चक्की में एक बेल्ट और एक चक्की में दो बेल्ट भी आप रख सकते हैं, इस तरह भी आप चला सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा इसकी क्वालिटी, माल की क्वालिटी पहले बताऊंगा मैं आपको। तो माल की क्वालिटी भी मैं चेक कर लिए पर आपके लिए बता रहा हूँ दोस्तों, ये देख सकते हैं दोस्तों, जिस तरह का मैं देसी पत्थर में इस्तेमाल करता हूँ उसी तरह का आटा निकल रहा है। पर आरिफ भाई है ना, आरिफ भाई दोनों में एमरी पत्थर इस्तेमाल करते हैं, और सच बताऊँ तो दोस्तों आरिफ भाई के आटे की क्वालिटी जिस तरह मेरी देसी पत्थर में आती है उसी तरह एमरी पत्थर में भी है दोस्तों। तो क्वालिटी में भी कोई फ़र्क नहीं है और स्पीड में भी कोई फ़र्क नहीं है, और जो एम्पियर मीटर बता रहे हैं दोस्तों उसमें भी कोई फ़र्क नहीं है। और दूसरा दोस्तों आप देख सकते हो कि आरिफ भाई की जो ये दुकान है, ये शॉप है, ये थोड़ी छोटी है,
दोनों चक्की समा जाए और सही तरह से चले, इसलिए इन्होंने ये सब जुगाड़ किया है एक ही मोटर पर दो चक्की का। और आरिफ भाई से मैंने पूछा कि भाई आपका फाउंडेशन बता, तो फाउंडेशन भी इन्होंने बताया, तो फाउंडेशन भी आपको दोस्तों बता दूं कि फाउंडेशन का उन्होंने सेटिंग किस तरह किया है। अगर दोस्तों आप भी इस तरह बनाना चाहें तो आप बना सकते हो, अगर आपकी नई चक्की है या पुरानी दुकान में दूसरी चक्की बिठाना चाहते हैं तो आप उस तरह सेटिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो फाउंडेशन का भी हम जानेंगे आरिफ भाई से। तो इस तरह से फाउंडेशन बनाया दोस्तों एक ही बोल ऊपर, एक ही जो समझ लो कि एक ही होल किया हुआ है और एक ही होल में पूरा एक सलिया नाका हुआ है और उसके ऊपर ही दोस्तों ये चक्की पूरी चक्की फिट की हुई है। बीच में ये लोखंड की पट्टी देख रहे हो, इस पट्टी को इस चक्की की बॉर्डर ऊपर और इस चक्की की दूसरी बॉर्डर ऊपर रख के बीच में बोल टाइट कर दिए ताकि हमारा ये जो चक्की है वाइब्रेट ना हो दोस्तों। तो इस तरह भी आप फाउंडेशन बना सकते हैं दोस्तों, ये भी आसान तरीका है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ भाइयों, यहाँ की एक सिस्टम है आरिफ भाई की, ये इस तरह के ऊपर जाली रखते हैं ताकि कोई भी लोहे की चीज़ बड़ी हो, चाबी हो आ जाए या कोई भी चीज़ आ जाए लोहे की, तो उसमें क्या होता है गेहूँ जो होता है डालते हैं यहाँ से तो गेहूँ सीधा नीचे उतर जाता है। और जो भी कुछ भी बड़ी चीज़ है, पत्थर है या फिर लोहे की चीज़ है, कोई भी ऐसी चीज़ है दोस्तों, ये ऊपर रह जाती है। तो ये भी आइडिया बहुत अच्छा है दोस्तों, अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो इससे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोनों चक्की में दोस्तों इसी तरह है, दोनों चक्की में इस तरह भाई ने किया हुआ है, दोनों चक्की में ऊपर से यहाँ से गाउडा गेहूँ डाल देते हैं और सीधा नीचे उतर जाता है थाले में, और जो भी ज़्यादा कोई चीज़ होती लोहे की या पत्थर के कुछ भी तो ये ऊपर रह जाता है। तो अगर आप इस तरह करना चाहें तो कर सकते हैं और इतनी छोटी जगह में इस तरह का आप प्लांट बिठा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि एक मोटर पर दो चक्की चल रही है, तो सिर्फ जो हमारे दोस्त आरिफ भाई थे उसी के वहाँ नहीं, इनके दोस्त हैं विजय भाई करके, उनके वहाँ भी इसी तरह से चल रही है। देखो दोस्तों 10 HP की मोटर है और 2 18 की चक्की है और 10 की मोटर है और यहाँ भी वही सिस्टम है, एक में दो बेल्ट है, एक में एक बेल्ट है। आप भी इस तरह चला सकते हैं, दो बेल्ट भी, दोनों में दो दो बेल्ट भी रख सकते हैं दोस्तों। तो काफ़ी जगहों पर दोस्तों इस तरह चल रही है, तो अगर आपके वहाँ भी जगह छोटी है और इस तरह आप प्लान बिठाना चाहते हैं तो आप इस तरह बिठा सकते हैं। तो ये है दोस्तों गुजरात फ्लोर मिल, हमारे दोस्त जो आरिफ भाई हैं उनकी आटा चक्की, और ख़ास करके उनसे मुलाकात भी करने आया था और आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाने आया था दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा मैसेज में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, आपके मैसेज का मुझे इंतज़ार होता है, तो मैसेज में ज़रूर बताइएगा कुछ भी दोस्तों, आप लिख के भेजिएगा ताकि मुझे पता चले कि मुझे किस तरह के वीडियो बनाना चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें। जय हिंद जय भारत दोस्तों।